बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 23 ऑफ आवर ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट इन विच वी विल डिस्कस अबाउट सेशन सिक्योरिटीज। अगर आप देखेंगे पिछले ट्यूटोरियल में हमने एडमिन डैशबोर्ड जो है वहाँ पे गए थे हम, लेकिन हम अभी सेशन को जो है वो चेक नहीं कर रहे हैं कि सेशन स्टार्ट है या नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी करूँ उस लिंक को, सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, मैं इसका देखूंगा कि सेशन सेट है या नहीं है। तो अगर मैं एप्लीकेशन में जाऊँगा तो यहाँ पे कोई सेशन सेट नहीं है, ठीक है। अगर मैं अब सेशन क्लियर भी करूँगा कैश सिस्टम को क्लियर कैश करके, तो जो भी सेशन होगा वो क्लियर हो जाता है इससे, तो यहाँ पे सेशन सेट नहीं है। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे कोई और लिंक खोलूँ, यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे भी लॉगिन कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि मैंने सेशन सेशन को टर्मिनेट करने का मतलब है कि मैंने लॉग आउट किया है, मेरा सेशन सेट नहीं है, तो ये इलीगली मैं यहाँ पे प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा हूँ। अगर आपने देखा होगा फेसबुक जो आपका लॉगिन पेज है उसका, फिर लॉगिन करके प्रोफाइल पेज पे पहुंचते हैं। अगर मैं प्रोफाइल पेज की लिंक कॉपी करूँ और लॉग आउट करूँ और डायरेक्ट प्रोफाइल की जो लिंक है वो दे दूँ, तो वो डायरेक्ट वो उस टाइम लॉगिन नहीं होना चाहिए, वो दिखाना चाहिए लॉगिन प्रॉपरली, ठीक है। तो यही बात है यहाँ पे कि हम डायरेक्टली प्रोफाइल पे जा रहे हैं विदाउट लॉगिन, तो यही चीज हमें रोक देनी है। हमें यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड जो है, देखिए इसकी हेडिंग भी आ रही है ऊपर, अगर आप देखेंगे तो ये नहीं आना चाहिए, इसकी हेडिंग देखिए ना, शॉप इट जो वहां से आ रही है, तो ये नहीं आनी चाहिए। हमें ये टर्मिनेट सेशन को यहाँ पे लॉग आउट किया, यहाँ पे दिखाना चाहिए कि आपका सेशन सेट नहीं है। यहाँ पे फिर ये किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, ये वापस इस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, लेट्स अपडेट में ये इस पेज पे रिडायरेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैसेज शो करना चाहिए होगा, तो उसी चीज पे हमें अभी काम करना है। तो उस चीज के लिए हम दो फाइलें बना रहे हैं, एक तो सेक एसेंशियल्स के नाम से एक फाइल बना रहे हैं और सेशन सेशन डॉट टीपीएल के नाम से एक फाइल बना रहे हैं। इस इन दोनों को मैंने इंक्लूड्स फोल्डर में, जो मेन मेन फोल्डर है मेरा इंक्लूड्स, में ओपन करता हूँ, मैंने वहीं पर इनको सेव रखा है। ये मेरा इंक्लूड्स, देखिए एडमिन फोल्डर नहीं, बाहर जो इंक्लूड्स फोल्डर है उसी में मैंने इन दोनों को सेव रखा, जहाँ पे मैंने यूआरएल डॉट टीपीएल को सेव रखा हुआ है। तो इतना ही किया मैंने यहाँ पे कॉन्फिग में, जो था कॉन्फिग में मैंने डायरेक्टली जो यहाँ पे लिखा था मैंने सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, वो मैंने अब सेपरेट फाइल में किया, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे और सिक्योरिटीज में ऐड करने जा रहा हूँ जो कि मैं कॉन्फिग में नहीं लिखना चाहता, मैं इसको सेपरेट फाइल में लिखना चाहता हूँ। तो फिलहाल मैंने स्टार्ट के लिए या इतना लिखा, इतना इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे अभी फिलहाल मैं आता हूँ सेक एसेंशियल्स पे। सेक एसेंशियल्स में हमें क्या देखना है कि अगर ऑथराइज्ड है, अगर मतलब एडमिन सेशन जो हमने अभी तक सेट किया हुआ है पिछले ट्यूटोरियल में, तो यहाँ पे एडमिन सेशन मैंने एक सेशन सेट किया हुआ है। अगर आप देखेंगे कॉन्फिग में भी, अगर मैं दिखाऊंगा कहाँ गया कॉन्फिग, कॉन्फिग तो कॉन्फिग में यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने एक सेशन किया हुआ है सेट एडमिन सेशन। और जब कंट्रोलर पे मैं लीगली लॉगिन होता हूँ, ठीक है, जब मेरा ऑथेंटिक यूजर जो है वो लॉगिन हो रहा है, तब जाके एडमिन सेशन जो है वो सेट हो रहा है। तो यही चीज मुझे चेक करनी है कि अगर एडमिन सेशन सेट है तब जाके मुझे लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ पे इसीलिए बना रहा हूँ क्लास सेक एसेंशियल, और मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन। इसका भी मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, इसको भी मैंने जैसे सेशंस की मैंने स्टैटिक फंक्शन बनाई थी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है फिर, तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं स्टैटिक फंक्शन ही बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन इज ऑथराइज्ड, पब्लिक स्टैटिक फंक्शन इज ऑथराइज्ड, मैंने एक फंक्शन बना ली। और इसके अंदर क्या लिखना है मुझे, इसके अंदर मुझे लिखना है कि इफ नॉट इज सेट क्या डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, कौन सा सेशन, ये वाला सेशन एडमिन सेशन। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, जो मैं यहाँ पे सेट करता हूँ, मैं उधर ही वो चेक कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इधर मैं सेट कर रहा हूँ इसको। सेट तभी होता है जब ये ऑथराइज होगा, जब ये लीगली जो मेरा यूजर है वो लॉग इन कर रहा है, तो वही मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि अगर ये सेशन सेट हुआ है, यानी कि अगर मेरा लीगल यूजर जो है वो लॉग इन कर रहा है, ठीक है। इफ नॉट इज सेट, मैं यहाँ पे नॉट की कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ नॉट इज सेट, अगर ये सेशन सेट नहीं हुआ है तो क्या करना है आपको, फिर क्या करना है आपको, फिर इस पेज पे नहीं रुकना है आपको, फिर वापस आना है इस पेज पे, इस वाले पेज पे, और साथ में कुछ मैसेज भी देनी है। तो मैं यहां पे लिखूंगा हेडर, ठीक है, हेडर लोकेशन इज टू, तो यहां पे वेब पाथ कॉन्केटिनेट करके वेब पाथ डॉट, तो फिर क्या लिखना है मुझे वेब पाथ में, किस पेज पे रिडायरेक्ट होना है मुझे, मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट होना है, ठीक है, ये वेब पाथ है, ये वेब पाथ है, वेब पाथ के आगे मुझे लेट्स अपडेट पे रिडायरेक्ट होना है। तो मैं इसी कॉपी करता हूं, तो ठीक है, अगर मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से, तो अब मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है, क्योंकि मुझे मेरे पास अगर ये आएगा यहाँ पे, तो मुझे इस पेज पे रिडायरेक्ट होना है। अगर मेरा सेट नहीं है सेशन, तो मुझे इसी पेज पे वापस रिडायरेक्ट होना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे तो खाली खाली जब आपका ये नहीं होगा, सेशन सेट नहीं होगा, खाली मुझे उसी टाइम मत आना है इस पेज पे वापस, मुझे तब भी इस पेज पे वापस आना है जब मेरा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स होगा, और मुझे तब भी इस पेज पे वापस आना है जब मैं वहां से लॉग आउट करूं, तब भी इसी पेज पे वापस आना है। तो इस पेज को मैं ऐसे कुछ डिजाइन करता हूं, लेट्स अपडेट, और मैं क्वेरी सेटिंग में एक वेरिएबल भेजता हूं आरआईडी, ठीक है, आरआईडी एक वेरिएबल बनाया मैंने, इज इक्वल टू इसका वैल्यू 101, दैट मींस जब ये सेशन सेट नहीं हुआ होगा तो मैं उसका वैल्यू 101 रखूंगा, और मैं 101 को फिर गेट
गेट करूंगा और पर्टिकुलर मैसेज यहाँ पे लिखूंगा कि आपको जो है सेशन वो सेट नहीं है, आप प्लीज लीगली लॉग इन करें। इसी तरह 102 पे मैं एक 102 में तभी RID का वैल्यू रखूंगा जब मैं लॉग आउट करूंगा, मैं उस टाइम यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करूंगा यूजर नेम के ऊपर सक्सेसफुली लॉग आउट। इसी तरह बहुत सारी 103 ठीक है, मैं लिखूंगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स उस टाइम। तो इसी तरह मुझे डिफरेंट मैसेज, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है जो कि कुछ वैल्यूज लेगा जो पर्टिकुलर मैसेज प्रिंट करेगा इसी पेज पे अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, चाहे ये लॉग आउट हुआ हो, चाहे सेशन सेट नहीं हो, एडमिन सेशन, चाहे और कुछ वैल्यू हो। तो मुझे कुछ ऐसा, मुझे इसमें ये भेजना है, क्वेरी सेटिंग भेजनी है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेरी सेटिंग में लगाता हूँ लेट्स अपडेट, और साथ में मैं भेजूंगा RID ठीक है, RID इज इक्वल टू 101 ठीक है, बस इतना ही करना है। तो इस पेज पे रिडायरेक्ट होगा। अब मतलब ये कैसे समझ जाएगा कि मुझे इस पेज पे जाना है ठीक है, मतलब ये वाला पेज हमारा राउट नहीं है किसी भी जगह। अगर हम इसको सेव करेंगे तो मैं देखता हूँ कि सबसे पहले अभी हमने इसको यूज नहीं किया है, अभी तो ये हमने लिख दिया है सेशन स्टैक एसेंशियल्स को, कभी किसी जगह इस फंक्शन को किसी जगह हम कॉल नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, कहाँ से कॉल करूंगा, लॉग इन बॉडी जो मेरा है, लॉग इन बॉडी से कॉल नहीं होगा ये होगा एडमिन, क्योंकि हम लॉग इन बॉडी जो हम सारा कुछ कर रहे हैं हेडिंग जो है वो एडमिन एसेंशियल्स में, तो यहाँ से कॉल होगा ये ठीक है, एडमिन एसेंशियल से कॉल होगा। लेकिन अभी अभी इसमें एक गलती होगी, अभी ये कॉल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको आपको कंफ्यूजन एक यहाँ से यहाँ एक कंफ्यूजन जो है वो उठा रहा हूँ, एक पॉइंट उठा रहा हूँ ठीक है, वो इसलिए मैं उठा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये पूरा समझ आ जाए। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर आ जाएगा, अभी ये एरर आ जाएगा कि जब आप इसको जो है लॉग इन करने की कोशिश करें, ये पेज भी आपका नहीं खुलेगा, मेरा मतलब यही है आपका ये वाला पेज भी नहीं खुलेगा। तो वो दूर की बात है कि आप फिर लॉग इन करके देखोगे कि सेशन सेट है या नहीं है, तो वही चीज मैं करने जा रहा हूँ, फिर मैं दिखाऊंगा उसको कैसे हम ठीक करते हैं। ये जरूरी है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे लाना जरूरी है ताकि आप लोगों को क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मैंने जो ये फंक्शन बनाई सेक एसेंशियल, सबसे पहले मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, जैसे मैंने सेशन को इंक्लूड किया है कॉन्फिग में हर फाइल में यहाँ पे, तो इसी तरह मैं इस फाइल को भी इंक्लूड करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ, चलो यहाँ पे ही लिख लेते हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ पे लिखते हैं इंक्लूड, इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर मैं लिखता हूँ ठीक है, यहाँ पे स्पेस डालते हैं, जैसे इंक्लूड में ही मैंने इसको भी रखा है, जैसे इसको इंक्लूड में ही रखा था सेशन को, इसको भी कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेकिन इसका नाम क्या रखा है मैंने, सेक एसेंशियल्स, secessentials.tpl। अगर आप देखेंगे secessentials को फाइल ओपन, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो इंक्लूड इसमें है हमारी secessentials.tpl, तो इसको मैंने इंक्लूड किया जैसे सेशन को इंक्लूड किया। तो अब ये इंक्लूड हो गई, मैं सेव करता हूँ, तो इंक्लूड हो गई, सॉरी यहाँ पे कुछ हमने ये एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, इंक्लूड्स दिस secessentials ठीक है, सेव। और हम आते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम अभी थे, तो यहाँ पे हम करेंगे काम, हम अब तो इंक्लूड हो गई है ये फाइल, हम यहाँ पे क्योंकि यही लॉगिन बॉडी जो है हमारा ठीक है, एक्चुअल में लॉगिन बॉडी एक्चुअल में इस सब को जो कंट्रोल करता है वो होम जो है home.tpl वो करता है। देखिए अगर मैं एडमिन में जाता हूँ इस चीज को लॉगिन को सबको होम कंट्रोल करता है, मैं होम को ओपन करता हूँ, होम में ही है हमारा इंक्लूड व्यू एडमिन एसेंशियल्स ठीक है, मतलब इस एडमिन एसेंशियल्स की सारी चीजें जो है वो इंक्लूड हो गई यहाँ पे। फिर हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इसका, फिर हेडर को कॉल करते हैं, इसको कॉल करते हैं नेविगेशन को, बॉडी को और फुटर को ठीक है, बॉडी में ही होम बॉडी हम बोलते हैं कि इस बॉडी को लाना है, सारा कुछ एक्चुअली में होम में हो रहा है। तो होम में एक्चुअली में ये हेडर जो है ये एडमिन एसेंशियल्स का है, दैट मींस अगर हम इसी के हेडर में देखेंगे पहले ठीक है, मतलब मेरा मतलब है कि ये सारा जो हो रहा है ये होम एक्चुअल में होम बॉडी में लिखा हुआ है, होम में लिखा हुआ है हमने ठीक है, ये है ना होम, होम में ही लिखा हुआ है क्योंकि लॉग इन हम वहीं पर कॉल कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं एक चीज करूँ, होम में ये भी तो फिर होम में ही आएगा ना ये एडमिन एसेंशियल्स, तो मैं चाहता हूँ कि इस पेज पे ही चेक हो जाए कि अगर ऊपर ऐसे अगर ऊपर ऐसे आया होगा लेट्स अपडेट 101 ठीक है, तो 101 आया होगा तो मुझे इसी पेज पे जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, तो मैं मतलब मैं मुझे क्या चेक करना है, इसी पेज पे आना है लेकिन मुझे चेक करना है कि सेशन सेट हुआ है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सेक एसेंशियल्स की ये वाली फंक्शन को जो है ये वाली फंक्शन को इसको कॉल करता हूँ, मतलब इसकी हेडिंग में तो मैं लिखता हूँ सेक एसेंशियल्स, सेक एसेंशियल्स इज टू दिस फंक्शन इज ऑथराइज्ड ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, बस इतना सा करना है मुझे यहाँ पे। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, अब आप देख लीजिए इस चीज का आउटपुट क्या होगा, सॉरी मैं यहाँ पे अब MIN एडमिन एडमिन डैशबोर्ड देता, तो अब मुझे ये रिडायरेक्ट हुआ यहाँ की ओर ठीक है।
दैट मीन सही से काम कर रहा है। देखिए देखिए ना, और देखिए मैं यहाँ पे आप डायरेक्टली लिंक जो है विदाउट लॉग इन मैं लिंक को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ADMIM डैशबोर्ड। तो इसने क्या कहा कि रिडायरेक्ट किया, लेकिन हमने ये 1404 इसलिए आया, अभी तक हमने इसको राउट नहीं किया। अब अभी आप मेन कंसेप्ट को समझ लीजिए पहले। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेट्स अपडेट, खाली लेट्स अपडेट पे आता हूँ, सॉरी, देखिए लेट्स अपडेट भी अब एक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए यही मैं बता रहा था क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं एक चीज यहाँ पे। देखिए हम जो है यहाँ पे अगर देखेंगे, हम ये फंक्शन को जो है हम ठीक है यहाँ पे हम देखते हैं इज ऑथराइज्ड, सेशन सेट हुआ है, अगर सेशन सेट हुआ है तब जाके करो, ठीक है, अगर सेशन सेट नहीं हुआ है तब नहीं करना है। तो लेकिन हम सेम जो ये कोड है ये हम लॉगिन के लिए भी कर रहे हैं, कम से कम लॉगिन पे नहीं होना चाहिए ना। हम देखिए हम लॉगिन पेज पे आने वाले होते हैं, लॉगिन पेज पे मतलब लेट्स अपडेट पे, लेट्स अपडेट पे ही है ना हमारा लॉगिन। तो अगर हम लेट्स अपडेट पे आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आना चाहिए ना मुझे वो लॉगिन वाला वो यूजर नेम पासवर्ड वगैरह, क्यों नहीं आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम पहले ही चेक कर रहे हैं कि सेशन ऑथराइज्ड है या नहीं है, मतलब एडमिन सेशन सेट है या नहीं है। हम पहले ही, उससे पहले भी लॉगिन को आने से पहले भी ये हम चेक कर रहे हैं कि ये वाला सेशन, ये वाला वेरिएबल जो है वो, लेकिन वो सेट एक्चुअल में कहां पे हो रहा है? वो लॉगिन पे जब हम वैल्यू देते हैं, ऑथराइज ऑथेंटिक यूजर होगा फिर लॉगिन करते हैं तब जाके ये सेट होता है। तो हमें ये यहां पे एक कंट्राडिक्शन आ गई जिस चीज को हम अब रिमूव अवॉइड करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो ये कंट्राडिक्शन जो है, ये कंट्राडिक्शन जो हो रही है इसको कैसे हम ठीक करें, क्यों हो रही है? देखिए क्यों हो रही है, सबसे पहले ठीक है, जो एडमिन एसेंशियल्स नाम की फाइल है आपकी, इसको आप दो जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो होम में इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसको यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, फिर इसकी चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन ये हम लॉगिन के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है मैंने लॉगिन बॉडी, लॉगिन CMS, ठीक है। तो लॉगिन के लिए ही हमें ये नहीं होना चाहिए कि जो एडमिन एसेंशियल्स का ये वाला पार्ट है ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस पार्ट को नहीं लिख लेता हूँ तो ये एरर शो नहीं करेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। सेव, तो मैंने इस पार्ट को अगर ये किया तो अब ये सही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरा ये लॉगिन है इस टाइम नहीं होना चाहिए चेक कि आपका एडमिन सेशन जो है वो सेट है या नहीं है, ये इस टाइम भी चेक कर रहा है। तो अगर मैं इस टाइम ADMIN दे दूंगा, TASSWORT VGNE, तो देखिए ये लॉगिन हो गया। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे इसको अलाउ करूं, लेकिन मुझे क्या करना है, अब लॉगिन के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है अभी मुझे, मैं सपोज इसको लॉगिन करने वाला हूं, यहां पे मैं अगर लेट्स अपडेट करूंगा, ठीक है, तो ये लॉगिन पे जा रहा है अभी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, वन सेकंड, मैंने इसको सेव नहीं किया शायद, सेव ऑल, तो अभी तो सेट है सेशन, अभी नहीं होगा। देखिए क्या, पहले मैं यहां पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूंगा, ये अभी सेशन सेट हो गया क्योंकि हमने अभी लॉगिन किया। अगर मैं देखिए एप्लीकेशन में मैं गया, यहाँ पे सेशन सेट है, अगर मैं इसको अब डिलीट करता हूँ सेशन को, अब अनसेट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए रिडायरेक्ट हो गया, 101 साथ में दे दिया। तो अब एटलीस्ट मेरा लॉगिन पेज आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लॉगिन भी होम बॉडी में मेरा लॉगिन हो रहा है, तो मैं अभी लॉगिन भी किसके थ्रू कर रहा हूँ, एडमिन एसेंशियल्स के थ्रू, जो कि इसको जबरदस्ती पहले ये करता है, जबरदस्ती के तौर पे ये इसको यहाँ पे पहले देखता है कि एडमिन सेशन लॉगिन है या एडमिन सेशन सेट है या नहीं है। लेकिन मुझे लॉगिन के टाइम वो चेक नहीं करना है, तो मैं लॉगिन के लिए ये नहीं करूंगा, मैं इस चीज का यूज नहीं करूंगा लॉगिन के लिए, मैं अलग से करूंगा। दैट मीन्स जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ये चीज मैं लॉगिन के लिए अलग से करूंगा। मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे अब मैं ये इंक्लूड नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूंगा और ये लिखूंगा यहाँ पे, और PHP का जो कोड है, PHP जो है ये ऊपर ही मैं क्लोज करूंगा, ठीक है। PHP के बाहर में अब ये HTML का जो है वो लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये नहीं आएगा PHP एको टाइटल, ठीक है, यहाँ पे सीधे आएगा, यहाँ पे सीधे आएगा क्या आता था पहले, वहां पे Ctrl-Z अगर करेंगे हम, क्या टाइटल भेजते थे यहाँ पे, मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, सॉरी मैं इसको आ गया। यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यहाँ पे हेडर में इसको भेजते थे लॉगिन CMS। तो अब हमें ये लिखना नहीं है, सीधे नीचे हमें वो वाला कोड लिखना है। हम डायरेक्टली अब हम इसको अब एडमिन एसेंशियल्स के थ्रू नहीं भेजेंगे, हम इसको अब डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे ही जो करना है वो कर लेंगे इसका। तो डायरेक्टली क्या करना है, लॉगिन CMS, इसके बदले हमें डायरेक्टली अब लॉगिन CMS लिखना है, क्योंकि जब हम वहां भेजते थे तो वहां के टाइटल में, वहां जो ऊपर टाइटल आता था, देखिए एडमिन एसेंशियल्स के ऊपर हमने टाइटल वाला जो रखा था, तो इसके थ्रू मिल रहा था इसको लॉगिन CMS, वो अब यहाँ पे लिखेंगे हम डायरेक्टली,
login CMS. Login CMS लिखा मैंने, और अब further body को close करना है. Body के बाद HTML को close करना है. लेकिन body के बीच में हम एक चीज कर रहे थे, वो हमें फिर से करनी है. यहाँ पे हम return कर रहे थे. यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे हम body में return कर रहे थे include जो भी वहां से dollar body के थ्रू हम भेज रहे थे login body. तो ये चीज हमें अब डायरेक्टली वहां पे लिखनी है. मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ. लेकिन यहाँ पे अब डॉलर बॉडी नहीं लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे अब वेरिएबल्स के थ्रू हमारा काम नहीं है कि हमने लॉगिन के लिए अलग से लिखा है. तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा लॉगिन, एडमिन व्यू में है लॉगिन बॉडी डॉट टीपीएल, लॉगिन बॉडी डॉट टीपीएल. अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ. तो ये पीएचपी वाला कोड है, इसको एम्बेड करना पड़ेगा पीएचपी में, और पीएचपी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा. ठीक है, इसको सेव कर लेता हूँ. तो अगर हम अब इसको देखेंगे, हम सेव करेंगे सेव ऑल, तो अब ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी. क्योंकि देखिए, अगर मैं सीधे लॉगिन पे चला गया तो यहाँ पे कुछ सिंटेक्स एरर की वजह से, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंटेक्स एरर है कुछ, तो मैं आता हूँ यहाँ पे क्या सिंटेक्स एरर है वो देखना पड़ेगा. तो सिंटेक्स एरर किस लाइन में है, लाइन नंबर 14 में है मेरा. और लाइन नंबर 14 में क्या है, बॉडी है इंक्लूड, आई थिंक इंक्लूड, इस वजह से तो नहीं हो रहा है. हाँ, ये हो रहा है इस वजह से. हमने क्या किया है, लॉगिन बॉडी जो है वो हमारा इसमें रहेगा कॉमा में. ठीक है, और इसको भी डिलीट ऐसे करते हैं. ब्रेसेस से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम ब्रेसेस को भी हटा देते हैं क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं एक्चुअल में. तो सेव, रिफ्रेश. तो आ गया आपका ये. अब आपका रहता है एडमिन. अगर हम एडमिन पाथ को डायरेक्टली देते एडी एम आई एडमिन डैशबोर्ड, तो तब आता है. अब हमारा सही रन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अब. ठीक है, ऐसे ही आना चाहिए था ना. तो अगर देखिए, एडमिन पास को आप डायरेक्टली दे रहे हो ADMIN करके, हाँ, तो आपको वापस आपको ये डायरेक्ट कर रहा है उसी पेज पे जहाँ पे आपने इसको बोला है. अब इसको हम बनाएंगे वो वाला पेज, ये वाला पेज, इसको भी हम इसी पेज पे डायरेक्ट करेंगे कि जब ये वाला जो RID 101 है वो बाद में देखेंगे. पहले हमारा सही रन हो रहा है. अगर हम अब लीगली इसमें ये लॉग इन करें, एडमिन PASSWORD पासवर्ड MDHW, तो अब एडमिन डैशबोर्ड पे चला गया. ठीक है, अब एडमिन डैशबोर्ड, क्योंकि हमारा अब इस टाइम सेशन सेट है. अगर मैं सेशन को दोबारा अनसेट करता हूँ इंस्पेक्ट करके यहाँ पे एप्लीकेशंस में जाके, या मैं कैश भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ सेशन को. अब डिलीट हो गया सेशन, मैं इसको दोबारा ऊपर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए ये 101 पे चला गया, एडमिन डैशबोर्ड पे नहीं चला गया. तो अब सही लॉग आउट सही से हो रहा है. तो अब हमें क्या करना है काम, अब हमें करना है ये कि जो ऊपर हमें ये मिल रहा है, ये वाला जो हमें मिल रहा है, इसको मैं कॉपी करूंगा. ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा. अब मैं जाऊँगा राउट में, क्योंकि मुझे अब अगर मुझे ये मिले लेट्स अपडेट RID, तो मेरा उसी पेज पे लॉगिन होना चाहिए. तो मैं राउट में चला जाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे आना है मुझे इसी पेज पे आना है, home.tpl, क्योंकि ये सारा home.tpl पे ही है. ठीक है, home.tpl पे क्या हो रहा है, home.tpl पे लॉगिन बॉडी आ रही है. ठीक है, लॉगिन बॉडी में ही है ये है लॉगिन बॉडी में, ये सारा ये लॉगिन बॉडी है. ठीक है, तो वंस वी विल कम ऑन दिस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा केस. ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं लिखूंगा. मैं इस लेट्स अपडेट को, मैंने इसको ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है एडमिन पाथ, बट इसको मुझे कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा. एडमिन पाथ इतना आ गया जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, तो इस वजह से लेट्स अपडेट आ रहा है यहाँ पे. ये मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, कॉन्केटिनेट जो भी हम करेंगे फिर वो कॉमास में होगा, ऐसे रखेंगे कॉमास में. तो ये 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, इसको हम वेरिएबल के थ्रू लाएंगे. वेरिएबल के थ्रू कैसे हम लाएंगे, हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे, हम करेंगे काम, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जो भी वेरिएबल हम ऊपर डिक्लेयर करेंगे उसको हम यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे. सपोज हम वेरिएबल आईडी लिखेंगे. ठीक है, तो उस टाइम भी आपको यहाँ पे आईडी में 101 भी आ सकता है, 102 भी आ सकता है, इसको मैंने कॉन्केटिनेट किया इसके साथ. ठीक है, तो मैं आईडी नाम का एक वेरिएबल जो है वो ऊपर डिक्लेयर करता हूँ. मैं डॉलर आईडी इज इक्वल टू 101 लिख लेता हूँ अभी मिसाल के तौर पर. सेव. तो अब आप देख लीजिए, अब मैं यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड लिखता हूँ. तो पहले 404 यहाँ पे रिटर्न, ये राउट नहीं हो रहा था इस पेज पे. अब मैंने इसको राउट कर दिया. ठीक है, अब मैंने इसको राउट कर दिया और ऊपर RID 101 भी आ गया. ठीक है, ये 101, ठीक है, 101 ये पूरा कहाँ पे चेक हो जाएगा, ये पूरा यहाँ पे चेक हो जाएगा. ये अभी इस टाइम आईडी में 101 है, क्योंकि हमने अभी यहीं से बाय डिफॉल्ट डाली थी 101. अब 102 भी हो सकता है. अब अगर हम इसको 102 दे देंगे यहाँ पे, मैं सेव करूंगा, लेकिन अब ये नहीं चलेगा क्योंकि 102 हमने वहां पे दिया है.
तो मैं 102 अगर ले लूंगा तब सही चलेगा। तो यही चीज मुझे अब हैंडल करनी है, 102 101। तो फिलहाल मैं इसमें कुछ नहीं ले लूंगा, मैं यहाँ पे ब्लैंक स्पेस ले लूंगा। अब ये 101 है, 102 है, ये तो हमने पहले पहले ही यहाँ पे दे दिया है ना इसको। ये हमने कहाँ पे दे दिया है, ये हमने सेक एसेंशियल्स में ही दे दिया है, हमने यहाँ पे 101 इसको दे दिया है पहले ही, कि अगर सेशन सेट नहीं है तो 101 का एरर लाओ। ठीक है, ऊपर ले आओ यूआरएल में 101, आरआईडी 101 जो है वो फिक्स करो। तो इसके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये तो मुझे पहले ही प्री डिसाइडेड है, तो ये प्री डिसाइडेड है तो मैं इसमें यहाँ इधर वैल्यू नहीं दे सकता, तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, वैल्यू नहीं देना है मुझे, मुझे दूसरा काम करना है, मुझे इस वैल्यू को गेट करना है। मैं लिखूंगा इफ डॉलर अंडरस्कोर, अगर हमें यूआरएल का वैल्यू रिसीव करना होगा तो हम गेट कमांड का यूज करते हैं या रिक्वेस्ट कमांड का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे गेट लिखा। डॉलर अंडरस्कोर गेट इफ इज सेट, मैं लिखूंगा इफ इज सेट, अगर इज सेट है डॉलर अंडरस्कोर गेट, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट, गेट के अंदर कौन सा वेरिएबल हम देखें, आरआईडी, दैट मींस अगर ये वाला वेरिएबल जो है ये हम गेट कर रहे हैं, अगर सेट है मतलब इसमें 101 या 102 या कुछ भी है, तो क्या करना है आपको, तो आपको काम करना है, एक जरूरी काम करना है यहाँ पे, वो काम ये है कि आपको इस डॉलर आईडी में डालना पड़ेगा इज इक्वल टू, यही हम यही वैल्यू जो है गेट आरआईडी इसी को कॉपी करते हैं, क्योंकि यही है ना 101 और 102, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर गेट आरआईडी, इतना ही करना है मुझे। इससे क्या होगा, डॉलर अंडरस्कोर गेट आरआईडी से, डॉलर अंडरस्कोर गेट आरआईडी से ये मिलेगा हमें, जो यहाँ पे वैल्यू होगा 101 102 जो भी होगा वो हमें मिलेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, उसको मैंने आईडी में सेव रखा और आईडी जो है वो मैंने यहाँ पे कॉन्केटनेट की। अब चाहे आईडी में 101 यहाँ पे कॉन्केटनेट की, अब चाहे आईडी में 101 आए 102 आए जो भी आए वो यहाँ पे कॉन्केटनेट हो जाएगी। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ, देखिए 101 102 102 भी वहीं चला गया, जो भी आईडी अब आएगी 103 पे भी यही आ गया, तो अब सही चल रहा है। ठीक है, अब सही चल रहा है। तो अब हमारा ये जो है एडमिन एसेंशियल्स जो है होम के साथ अब इसका कोई लिंक नहीं रहा, होम के लिए हमें अलग देना पड़ा, क्योंकि हम अगर लॉगिन होम हमने लॉगिन के लिए बनाया था, अगर हम लॉगिन इसी के थ्रू कर रहे थे तो ये दिक्कत कर रहा था यहाँ पे, इसीलिए हमने होम का अलग कर दिया, ताकि ये पहले जो है होम के टाइम उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को चेक ना करे। लेकिन होम के बाद हम क्या कर रहे हैं, हम डैशबोर्ड पे चलते हैं फिर। ठीक है, डैशबोर्ड पे हमें जरूरी चेक करना है कि सेशन सेट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि एडमिन डैशबोर्ड जो मेन पेज है यानी कि प्रोफाइल पेज है, वहां पे हमें पहले ही चेक करना है कि सेशन सेट हुआ है नहीं। तो हम इंक्लूड जब करते हैं इस फाइल को, ड्यूरिंग इंक्लूड, तो यहाँ पे ये हेडिंग में ही चेक कर लेता है कि हमारा जो सेक एसेंशियल्स है वो इज ऑथराइज्ड है या नहीं है, यानी कि उसमें इज ऑथराइज्ड की वजह से ये चेक करता है कि उसमें जो है सेशन जो है एडमिन सेशन वो सेट है कि नहीं है। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वापस रिडायरेक्ट करता है होम पेज की ओर, लॉगिन पेज की ओर। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, थैंक यू।